परो मगरमच्छ है पीछे। भाई क्या क्या है यहाँ पे? एनाकोंडा और यहाँ पे मगरमच्छ। अच्छा अजदे भी है इधर मेरे से। इधर एक मगरमच्छ है, दो तीन है और एक बड़ी जो साफ नहीं होती। हाँ अजदे जो होता है बड़ा। हाँ वही। अच्छा कंपनी वाले बंदों ने बहुत दबा देखा उन लोगों को। अच्छा इसी रास्ते पे। अच्छा अच्छा देखा गया है। और अभी यहाँ पे कल बूंदाबांदी हुई है और वहाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर कह रहे हैं कि बूंदाबांदी बारिश वगैरह हुई है तो बिच्छू और सांप और इस तरह के जो जहरीले जानवर होते हैं ना वो बहुत होंगे जहाँ हम कैंप करने वाले जहाँ पर कैंप करने वाले। और वो कह रहा था कोई देख कर अच्छी जगह तो कैसे बेहतर ये है कि आप आग वाग जला लो, आग वाग रेडी रखो ताकि अपनी सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी हो। हमारा एक बाइकर वहाँ पे जख्मी बैठा है क्योंकि आने के काबिल नहीं रहा। हमारी चार बाइक्स पंचर हुई हैं, एक बाइक अभी स्लिप हुई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे का सफर इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। लेट्स गो। यहाँ नहीं होगा मगर मुझे वो बड़े पानी में सही। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इधर आ गया वो देखो ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट। हाँ। ये सीधा गाड़ी अगर कोई आती है तो यहाँ से आती है वहाँ रुकती है और वहीं से एंट्रेंस है, इसको क्रॉस मार लेते हैं अल्लाह मालिक है। सर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा ये। मगरमच्छ होता तो अभी तक आ चुका होता। मगरमच्छ यहाँ नहीं होगा, मगरमच्छ होगा बड़े पानी में। ये छोटे झरने में कहाँ से होगा सर? कोच की रिकमेंडेशन नहीं है यार, मैं जाके देखता हूँ तुम्हें यार मसला क्या है। नहीं नहीं मैं मुझे तो ये तो शौक नहीं कि मैं डिस्कवर नहीं करूँ। ये हमारे सलमान भाई हैं जो अभी खीरथर जहाज के ऊपर क्या कहते हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे कौमी विरसा है हमारे और इनको साफ सुथरा रखना, इनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल और यहाँ हर सबको आना चाहिए, यहाँ पे विजिट करना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह है। ये ट्रिप था पेपर सर का जो हमने प्लान किया सलमान भाई की लीडरशिप में और अच्छा ट्रिप है अभी तक। लेकिन जाहिर है थोड़ी मुश्किलात आती हैं हर ट्रिप के अंदर, मुश्किलात ही ट्रिप का हिस्सा होती है। और हमने स्टार्ट लिया था सैटरडे को, फ्राइडे की नाइट हमने बेसिकली स्टार्ट लिया था, लेकिन कुछ एक दो गाड़ियां पंचर हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़ाया हो गया। अब हम सिचुएशन ये है कि सैटरडे को मॉर्निंग हम वहाँ जामशोरों से निकले थे तो फिर गाड़ियाँ कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रही, पंचर होती गई गाड़ियाँ एक आध। और लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पे कुछ मसला है, कोई जा ही नहीं सकता इधर, तो हम थोड़ा सा इस बारे में डबल माइंडेड भी हो रहे थे। बट
फिर फाइनली डिसाइड किया कि जाना है, देखना है। टूरिस्ट का काम क्या होता है, नई जगह फाइंड आउट करने का काम होता है। तो अब ये है कि हम संडे मॉर्निंग है, हम यहाँ लेट पहुँचे थे रात को, संडे मॉर्निंग है और हम ढूंढ रहे हैं तकरीबन एक घंटे से। हमें मिल गई ये जगह, लेकिन हमें एग्जैक्ट वो पॉइंट नहीं मिल रहा था जहाँ से उसमें एंट्रेंस जहाँ होगी मेन जो है अपना पेपर सर जो जगह है पॉइंट है। फाइनली हमें वो जगह भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब उस जगह तक पहुँचने का रास्ता तकरीबन 15 से 20 मिनट है, इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू। हम अभी बैठे हुए हैं पेपरासर वाटरफॉल्स के पास। जुम्मे को रात को 2 बजे हमने अपना सफ़र कराची से शुरू किया था। कुछ पंक्चर्स, बल्कि कुछ नहीं, लातादात पंक्चर्स और हाईवे पे कुछ एक्सीडेंट, फिर हमारे एक जवान का एक्सीडेंट, इसकी बाइस हम लोग फ्राइडे रात को अपना सफ़र कंटिन्यू नहीं रख सके और हम अब हाईवे पे एक सीएनजी स्टेशन पे रुक गए थे। सैटरडे मॉर्निंग हमने सुबह 6 बजे अपना सफ़र स्टार्ट किया, 8 बजे हमने जामशोरो क्रॉस किया और सैटरडे ही के दिन हम 9 बजे रात में पेपरासर पहुँच गए थे। अबे क्या हो गया, पानी में गिर गया। तो पानी था ना यहाँ पे। अबे खाई थी, मैं भी गिरा उसमें। पागल गया, चल रहे, बैटरी निकाल दो, उसको शॉर्ट हो जाएगा। अभी तो चल रहा है। देख यहाँ भी तो जनाब, जैसे आप देख सकते हैं रास्ते बड़े मुश्किल हैं यहाँ पे हाइकिंग करने के। थोड़े मुश्किल नहीं, काफ़ी मुश्किल हैं यहाँ पे। अगर आपको हाइकिंग करनी है, एक कंप्लीट जो ख्वार होना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट एडवेंचर थ्रिलर किस्म का माहौल है यहाँ। लेकिन जो नॉर्मल टूरिस्ट लोग हैं जो घूमने फिरने निकल जाते हैं, उनके लिए इतनी ख़ास जगह नहीं है। यंगस्टर्स हैं वो आ सकते हैं, आपको स्टेमिना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम पेपरासर आ रहे हैं, आप एक्सप्लोर, जैसे हम लोग, हमारा ये एक एक्सपीडिशन था, हम एक्सप्लोर करने निकले थे, तो यहाँ पे हाइकिंग काफ़ी टफ है। हाइकिंग यहाँ पे काफ़ी टफ है। समद साहब भी अभी गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। हाई कर दे समद। हाय, पैर में मोच आ गई है भाई। ये हाय वाला, हेलो हाय नहीं था, ये हाय था, हाय 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 वाला। तो उम्मीद है कि हमें मिल गया क्या, इनको शोर कर रहे हैं, मिल गया। जी सर, हाथ पे आबशार सही कह रहा वीडियो में, लेकिन जब मैंने यहाँ कंफर्म, जब मैंने देखा है, ये जनाब फिलहाल बहस चल रही है। पेपर सर इन पहाड़ों के उधर है, ये पहाड़ तो नहीं, ये छोटी सी एक बाउंड्री है। पेपर सर बेसिकली एक सॉकर फील्ड, जो फुटबॉल स्टेडियम होता है उसकी तरह का है, और वो चारों तरफ उसकी ये बाउंड्री है। बीच में एक सुराख है जिससे हम अंदर पेनिट्रेट करते हैं। वो यार, ये सुराख ये तो नहीं है, देख लिया। हाँ, देख लिया। देखा है आपने? नहीं देखा। मैं देख के आता हूँ। रास्ता जनाब पेपरासर का, यहाँ से आप आते हैं चलते हुए यहाँ पहुँचते हैं, फिर ये बीच में थोड़ा सा गैप है, इस पत्थर से उधर जाते हैं और यहाँ से चलते हुए आप डायरेक्ट अंदर। शॉट लिया था अभी हम यहाँ पे इनको क्रॉस करते हुए, वो जो मैं कह रहा था कि पहाड़ियों के बीच में, वो बेसिकली हम उसके पार खड़े हुए थे, वहाँ से हम उतरे और अब हम पेपरासर पहुंच चुके हैं।
जनाब ये है पेपरसर वॉटरफॉल्स। हम आवाज़ बैठ चुकी है आने में, सब वार्ड लग चुकी है, तकरीबन 2 घंटे लगे हमें ये वॉटरफॉल देखने में। लेकिन आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं दो ही बैठे हैं, इनका ही खूबसूरत जगह है और बहुत मज़ा आया है यहाँ। तो तकरीबन 2 घंटे हमें हो गए यहाँ पे बैठे हुए और इंजॉय करा। करो बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यहाँ पर पेपरसर में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में शेयर किया आपसे, इट इज़ नॉट ईजी टू रीच हियर और बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं आने में, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और जाहिर सी बात है, एक मुश्किल रास्ते से गुजर के ही एक बहुत बड़ी एडवेंचर तो ऐसी होता है, मंजिल ऐसी मिलती है। और मेरे एंड से तो ये कि जगह सेफ है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर होटलिंग का तो ऐसा कोई खास इंतजाम नहीं है, तो अगर आप खाना भी आएँ तो बिल्कुल अपने साथ कैंटीन वगैरह का सामान वगैरह से लेकर आएँ। और बाकी आप बाकी दोस्त मौजूद हैं, इन्जॉय कर रहे हैं पीछे बैठे हुए। और दो दोस्त हमारे आ नहीं सके क्योंकि एक भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उनको हमें नीचे छोड़ना पड़ा। दूसरे हमारे साथी आ रहे थे लेकिन वो बीच में गिरे, जिसकी वजह से उनको थोड़ी चोट आई और वो वापस चले गए। तो 5 यहाँ तक पहुँचे, शुरुआत की थी 7 का भी 8 लोग थे। तो ठीक है, जो 5 और 6 साथ साथ उम्र तो मैंने सुन लिया था। तो ये है पेपरसर, अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये ख्याल रखें कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। ये हमारी रिसोर्सेज हैं, हमारे टोटल मैं आपको दोबारा से करेक्ट करूँ, 8 लोग 8 लोग हैं। सॉरी 8 लोग 8 लोग 7 बाइकर थे, 7 बाइकर भी 8 लोग। तो इंशाल्लाह वापसी का सफ़र कंटिन्यू है, और वापसी आते हुए तो हम इतनी वीडियो बना नहीं सके रस्ते की, तो वापसी भी जाते हुए इंशाल्लाह आपको रस्ते की वीडियो बनाएंगे। फरूख भाई अपना मोबाइल देखते हैं ठीक। ये इनकी दिल की फीलिंग सुन ले जरा, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल लबे सीरीज हो रही है। ये देखे हाँ, ये देखो आंखों के साथ चल रहा है, मारो करके देखो।